धार जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले के अपराध समीक्षा बैठक में वाहन चोरी के मामलों में पतारसी कर कार्यवाही के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया था। इसी तारतम्य में सागौर पुलिस लगातार आदतन अपराधियों पर कड़ी नजर रखे हुए थी। आज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जब पुलिस ने तेजराम ठाकुर उम्र 25 वर्ष को आम लोगों को धारदार हथियार से डरा धमका रहा था, सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची व गिरफ्तार कर थाने ले आई। पूछताछ में तेजराम ने सागौर थाना क्षेत्र से दो मोटरसाइकिल चोरी करना भी कबूल किया है। आरोपी से दोनों मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सर, दो मोटरसाइकिल व चोरी से आरोपी गिरफ्तार किया गया है, सर क्या है पूरा मामला? ग्राम अचाना थाना सागौर के गोविंद कोहली की सूचना मिली कि एक गांव में चाकू लेके लोगों को धमका रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी सागौर श्री राजेंद्र सिंह भदौरिया अपनी टीम के साथ गए और उसको वहां पर चाकू से पकड़ा, जिसके खिलाफ 25 साल सटी कार्रवाई की गई। उससे पूछताछ पर पता चला कि सागौर की ही दो मोटरसाइकिल चोरी उसने की है, जिसे बरामद किया गया और दोनों मोटरसाइकिल की कीमत 1,00,000 रुपये बाकी गई। यह आरोपी थाना मानपुर और इंदौर में कई मामलों में लूट एवं चोरी के मामले में पहले से भी गिरफ्तार किया जा चुका है और यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन पर की गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।